हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनके कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिससे हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को यही बीमारी हुई है। क्योंकि होता यह है कि जैसे कोई भी बीमारी हुई है तो उसके बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, लेकिन उसमें एक चिन्ह ऐसा विशेष होता है जो उस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उस बीमारी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम मिजल्स की और चिकन पॉक्स की, तो मिजल्स और चिकन पॉक्स दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति के शरीर पे क्या निकलते हैं, रैसेस होते हैं, दाने निकलते हैं, लेकिन उनमें भी विशेष डिफरेंस होता है, उनमें भी अंतर होता है और कुछ विशेष लक्षण या चिन्ह उसमें भी होते हैं। तो उसके द्वारा हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को यही बीमारी हुई है। जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ज्वाइंटिस हुआ, पीलिया हुआ, तो उस दौरान व्यक्ति के स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आंखों का कलर चेंज हो जाता है, जो नेल बड्स हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर जॉइंटिस के लक्षण है, क्योंकि इसकी जो स्किन है या फिर जो नेल बड्स हैं या फिर उसके जो आई का कलर होता है वो कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अलग अलग स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, स्पेसिफिक साइन होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइन होते हैं जिनके बारे में पूछ लेता है और फिर हमको उसके बारे में नहीं पता होता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो भी वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक साइन ऑफ डिजीज, मतलब कि बीमारियों के जो स्पेसिफिक चिन्ह होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं उनके बारे में। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ लिख रखा है सीओपीडी, तो सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये किसी से संबंधित है, ये व्यक्ति के फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। क्रॉनिक दिया है मतलब कि लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि किसी तरह की रुकावट की वजह से, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, और डिजीज मतलब बीमारी। तो इस दौरान जब किसी व्यक्ति को सीओपीडी होता है और ये क्रॉनिक सीओपीडी हो जाता है, मतलब कि लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो उस दौरान व्यक्ति के अंदर जो स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं बैरल चेस्ट। अब अगर कहीं पे बैरल चेस्ट दे दिया और उसके बाद चार ऑप्शन दे दिया, उसमें सीओपीडी दे दिया, अस्थमा दे दिया, ट्यूबरक्लोसिस दे दिया, तो अब उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये तीनों ही पल्मोनरी डिजीज ही हैं, मतलब कि लंग्स में होने वाली दिक्कतें ही हैं, लेकिन अब इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जब आपको ये पता रहेगा कि जो सीओपीडी है उसमें जो चेस्ट होता है वो बैरल शेप का हो जाता है, बैरल शेप का मतलब कि कैसा हो जाता है, उसका जो नॉर्मल शेप होता है और साइज होता है वो सामान्य की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, जैसे कि इस वाले फिगर में हमको दिख रहा है। ये क्या है, ये नॉर्मल चेस्ट है, ये किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल चेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लंग्स है, चेस्ट है, उसका जो साइज है, शेप है, वो कैसा हो गया है, वो बड़ा हो गया है। साथ ही इसमें क्या हो जाता है, एक बल्जिंग आ जाती है, मतलब कि इसमें उभार दिखने लगता है, इस वाले एरिया में ये ऊंचा दिखने लगता है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा। इसमें क्या है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऊंचा है, थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाती है और इसका साइज भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, लगातार एयर भरे रहने की वजह से ये जो लंग्स होते हैं ये फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इस वजह से व्यक्ति को दिक्कत होती है और उसके जो चेस्ट का साइज है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसी शेप का हो जाता है, इसलिए इसको हम बैरल चेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा हमने बीमारी ली हुई है जिसको हम बोलते हैं निमोनिया, तो जो निमोनिया होती है इसमें जो स्पेसिफिक साइन होता है, विशेष जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश रस्टी स्पुटम, मतलब कि जो भी व्यक्ति निमोनिया से संक्रमित होगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब वो कफ करेगा मतलब खांसी करेगा, तो जो उसका बलगम निकलेगा उसका जो कलर होगा कैसा होगा, ग्रीनिश मतलब हरा कलर का होगा, रस्टी का मतलब होता है कि जो जंग होता है, मतलब लोहे में जब जंग लग जाता है तो जैसा उसका कलर होता है वैसा कलर होगा, तो मतलब कि ये मिक्स कलर का स्पुटम निकलेगा, उसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश रस्टी कलर का होगा। तो इसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अगर हम रस्ट की बात करें, जो रस्टी कलर का है मतलब जंग के कलर का जो स्पुटम निकल रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, जब ये लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करता है और इसके द्वारा जो स्पुटम बनता है उसका जो कलर होता है कैसा होता है, जंग के कलर का होता है, और वहीं पे जो ग्रीनिश होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल। क्या बोलते हैं, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया या फिर स्यूडोमोनास
या हीमोफिलस, हीमोफिलस। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रीनिश स्पुटम के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये रस्टी स्पुटम के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो परनीसियस एनीमिया है उसमें हमको विशेष चिन्ह क्या देखने को मिलता है। अब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी हुई तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, वो खुद को कमजोर महसूस करता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, बहुत ही सुस्त पड़ा रहता है, कोई काम करने का उसका मन नहीं करता है, बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा होता है, थकान लग जाती है थोड़ा सा काम करने में। तो अगर परनीसियस एनीमिया है तो उस दौरान क्या होगा, ब्रीफी रेड टंग, मतलब कि व्यक्ति की जो जीभ होगी वो कैसे हो जाएगी, लाल हो जाएगी, और ब्रीफी मतलब कि थोड़ा सा फूली हुई जैसे हमको दिखेगी। तो अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो हमको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी टंग का कलर है, जो जीभ है उसका जो कलर है वो कैसा हो गया है, रेड कलर का हो गया है। और इसमें क्या है कि बहुत ही जो जीभ है वो कैसी दिख रही है, मोटी दिख रही है, उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, सूजन हो गया, उसकी कलर भी चेंज हो गया। और इसमें देखने को मिलता है कि जो साइड के किनारे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फटा जैसा हो जाता है, उसमें दरारें जैसे हमको देखने को मिल जाती है। तो इसी को हम कहते हैं ब्रीफी रेड टंग, मतलब की जो जीभ है वो कैसी दिखेगी, थोड़ा सा फूली हुई और लाल कलर की दिखती है, अगर व्यक्ति को परनीसियस एनीमिया होता है तो। आपने देखा और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब ये जांच करते हैं कि व्यक्ति के अंदर खून की कमी तो नहीं हो रही, ऐसे लक्षण तो नहीं है, तो फिर क्या करता है डॉक्टर कि वो आपकी जीभ को भी देखते हैं कि जीभ, आपके जीभ का कलर कैसा है, उसमें क्या हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो जीभ होती है वो बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी सिग्नल हमको देती है। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं सब में, हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उससे संबंधित सिग्नल हमको मिलते हैं, बस जरूरत ये होती है उनको पहचानने की, उनको आइडेंटिफाई करने की। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने बात की परनीसियस एनीमिया की। नेक्स्ट इसमें बीमारी है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्की डिजीज। तो अब जो कॉस्की डिजीज होता है इसमें जो जीभ होती है वो कैसी हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टंग। अब स्ट्रॉबेरी वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया है, इसलिए कि जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स होता है, फल होता है, उसके जैसी जीभ हो जाती है। जैसे कि ये जो टंग कैसी दिख रही है, स्ट्रॉबेरी की तरफ दिख रही है, मतलब कि इस पे क्या है, छोटे छोटे जो पैपिला होते हैं टंग के ऊपर वो उभर जाते हैं, जिस तरह से स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उस पे भी आप देखेंगे तो जगह जगह पे क्या होता है, जैसे लगेगा कुछ पॉइंट पॉइंट जैसा बना हुआ है। तो हमारे टंग के ऊपर जो नॉर्मल पैपिला होते हैं, जब यहाँ पे कॉस्की डिजीज होती है तो उस दौरान ये जो पैपिला होते हैं ये उभर जाते हैं और जो जीभ का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को की बीमारी हो गई है। तो हमारी जीभ बहुत कुछ बताती है। तो अगर कहीं पे स्ट्रॉबेरी टंग आया है तो आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये परनीसियस एनीमिया के लिए बात कर रहा है, क्योंकि अधिकतर हम ये समझते हैं कि अगर जीभ का रंग लाल हो गया मतलब कि क्या है, खून की कमी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर जीभ पक गई है, व्यक्ति का पेट साफ नहीं रहता, जीभ पक गई है किसी वजह से या फिर कट गई है तो भी जीभ लाल हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें व्यक्ति को बुखार होने लगता है, शरीर बहुत ज्यादा दर्द करता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर दर्द भी होने लगता है। तो नॉर्मल वायरल फीवर में भी ऐसा होता है, टाइफाइड फीवर में भी ऐसा होता है, लेकिन दोनों में विशेष लक्षण क्या होता है या फिर विशेष जो स्पेसिफिक साइन है वो हमको क्या देखने को मिलता है। तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है रोज स्पॉट, मतलब कि क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसके शरीर पे हमको कुछ ऐसे स्पॉट देखने को मिलते हैं जो कैसे होते हैं, रोज की तरह होते हैं। अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह ही होंगे, लेकिन कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं और गोले गोले दिखते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर इनका जो शेप होता है वो रोज की तरह होता है, इसीलिए इनको रोज स्पॉट कहा गया है। जैसे व्यक्ति को क्या होता है कि डेंगू हो जाता है या फिर व्यक्ति को मलेरिया का बुखार हो जाता है तो उस दौरान व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मलेरिया का बुखार आता है तो व्यक्ति को फीवर के साथ ठंडी महसूस होती है, तो समझ में आता है कि ये जो लक्षण है वो मलेरिया का है। इसी तरह से जब टाइफाइड होता है तो रोज स्पॉट इसका विशेष लक्षण है। तो रोज स्पॉट कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि व्यक्ति का जो चेस्ट वाला एरिया है,
बैक वाला एरिया है या फिर उसका नेक है, मतलब कि उस पे क्या होंगे स्पॉट जैसे दिखेंगे और वो इस तरह से रहते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। लेकिन ये कब होता है, जब व्यक्ति को बुखार लंबे समय से आ रहा है और वो टाइफाइड ही है तब, जैसे कि सेकेंड या थर्ड वीक में ये ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसे साइन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स डिजीज जिसको बोलते हैं टिटैनी। अब ये जो टिटैनी होती है इसमें भी दो ऐसे स्पेशल या फिर कहते हैं स्पेसिफिक साइन है जिनको रखा गया है। तो कौन कौन से है, तो फर्स्ट है इसमें जिसको बोलते हैं चौस्टिक साइन, जिसमें क्या होता है मसल्स ट्विस्टिंग फेस, मतलब कि फेस की जो मसल्स होती हैं वो ट्विस्ट होने लगती हैं, उनमें चेंजेस देखने को हमको मिलता है। दूसरा क्या है ट्रोसेस साइन, तो जो ट्रोसेस साइन है इसमें क्या होता है, तो इसको हम इस वाले फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है चौस्टिक साइन में क्या होता है कि जो फेस की मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है ट्विस्टिंग होने लगती है, मतलब कि उसमें ऐठन या फिर मरोड़ होने लगता है, वो टेढ़ी होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रोसेस साइन दिख रहा है इसमें क्या होता है कि जो बांह वाला एरिया होता है, मतलब जो आर्म्स होती हैं, इनमें ट्विस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें इस वाली ट्विस्टिंग को हम क्या बोलते हैं साइन, अगर इसकी बात करें तो इसको हम प्रोसेस साइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम कार्पोपेडल स्पाज्म भी कहते हैं, कार्पोपेडल स्पाज्म। तो जो कार्पोपेडल स्पाज्म होता है वो किसमें होता है टिटैनी में होता है, जिसको हम ट्रोसेस साइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम हाथ वाले एरिया पे पूरे बांह पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये हाथ सीधा नहीं होता बल्कि क्या होता है मुड़ने लगता है, और अगर हम सीधा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जो टिटैनी बीमारी होती है, ये किसकी कमी की वजह से होती है, ये होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है तो उस दौरान व्यक्ति के मसल्स में ऐठन शुरू हो जाती है, और यही अगर कंटिन्यू बना रहा तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति को टिटैनी बीमारी हो जाती है, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोकैल्शीमिया। तो जो हाइपोकैल्शीमिया है इसकी वजह से ही टिटैनी बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति की जो हाथ है या फिर जो पैर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं टिटैनी में, मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो धनुषाकार हो जाता है, मतलब व्यक्ति के हाथ और पैर दोनों मुड़ जाते हैं, उनमें ट्विस्टिंग हो जाती है, वो लास्ट स्टेज होती है। शुरुआत कहाँ से होती है फेस से और हाथों से। तो ये दो साइन है जो देखने को मिलते हैं किसमें टिटैनी में, और टिटैनी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। तो जो पैनक्रियाटाइटिस है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें होने वाली सूजन। किसी भी वर्ड के आगे, जैसे पैनक्रियाज में क्या जुड़ा है आइटिस वर्ड जुड़ा है, तो अगर किसी भी वर्ड के आगे आइटिस शब्द जुड़ा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर किसकी बात कर रहा है, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। तो इन्फ्लेमेशन कब होगा, जब इन्फेक्शन होगा। जैसे क्या है इंडोमेट्राइटिस, तो जो इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्रियम क्या है गर्भाशय की इनर वाल है, तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें आइटिस वर्ड जुड़ जा रहा है, इंडोमेट्राइटिस उसको बोला जा रहा है। तो इसी तरह से जो मेडिकल टर्म्स होते हैं उनके थ्रू भी हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको जान सकते हैं। तो इसमें हमको जो विशेष साइन है, विशेष चिन्ह है, वो क्या देखने को मिलता है प्लेन साइन, मतलब कि ब्रूज डिस्कलरेशन प्री अम्लाइकल एरिया, मतलब कि अम्लाइकल का जो एरिया होगा, प्री अम्लाइकल एरिया मतलब कि ये वाला जो हिस्सा होगा वहां पे हमको ब्रूज डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है उस दौरान, इसमें भी एक कारण है क्या कि अगर व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है कि उस व्यक्ति में क्या हो कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, इंटरनल हेमरेज हो रहा हो, इस वजह से इस एरिया में क्या है हमको दिख रहा है ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है। या फिर अगर कोई फीमेल है और उस फीमेल में नेवल के पास, नाभि के पास वाले एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, मतलब नीला कलर दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, तो ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि अगर जो महिला की गर्भावस्था है वो गर्भाशय में ना होके कहाँ पे है, ट्यूब में है। अगर महिला का ये गर्भाशय है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ होता है, लेकिन जो ये ट्यूब्स होती हैं अगर किसी कारणवश जो जायगोट है वो क्या हो, वो
यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए और यहीं पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगे। तो यहाँ पे क्या है, जगह बहुत ही कम मात्रा में है, तो कुछ दिन बाद कुछ ऐसा समय आएगा जब यहाँ के एरिया उसके लिए सफिशियंट नहीं होगा, फिर क्या होगा कि यहाँ की जो ट्यूब्स है वो फट जाएगी। तो जब फटेगी तो क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग होगी तो वो हमको इस साइन के रूप में दिखेगा जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन मानते हैं। तो यहाँ पे अगर पेंक्रियाटाइटिस की समस्या है या फिर महिला है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो फिर ये हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस का क्या मतलब होता है कि जो अपेंडिक्स है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जहां पे संक्रमण होगा वहीं पे सूजन होगा, क्योंकि जो ये अपेंडिक्स है इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है आइटिस। तो आइटिस का मतलब मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया ही था। तो अब इसमें जो स्पेसिफिक साइन होता है, विशेष साइन होता है, वो क्या दिखता है हमको, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मैकबर्नी साइन की। यहाँ पे फर्स्ट हमको क्या दिखता है, मैकबर्नी साइन। दूसरा क्या है, दूसरा है रोजिंग साइन। तीसरा क्या है, तीसरा है पीएसओ साइन। तो अब ये जो पीएसओ साइन है या फिर जो रोजिंग साइन है या फिर मैकबर्नी साइन है, इसके बारे में हमको जानना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, जो था मैकबर्नी साइन। तो जो मैकबर्नी साइन होता है ये रिलेटेड होता है मैकबर्नी पॉइंट से। तो मैकबर्नी पॉइंट्स कहाँ होता है, इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में। तो इसकी मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे ये जो अम्लाइका है ये क्या है, ये स्टमक का मतलब पेट का सबसे सेंटर वाला भाग है, बीच वाला हिस्सा है। तो अब यहाँ से जो ये स्टमक है इसको हम 9 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से 9 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां। तो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन तैयार हो गए। इधर क्या होता है, इधर होता है राइट साइड और इधर क्या होता है लेफ्ट साइड। अब जो इसके नाम होते हैं ये इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उन्हीं के नाम पे होता है। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट है राइट साइड होगा, राइट साइड और क्या होगा हाइपोकॉर्डियक रीजन, हाइपोकॉर्डियक रीजन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईपी गैस्ट्रिक रीजन, जो अम्ब्लाइकल के जस्ट ऊपर होता है। उसके बाद इधर वाला लेफ्ट साइड जो होगा, तो लेफ्ट साइड है, साथ ही इसमें क्या ऐड हो जाएगा हाइपोकार्डियक रीजन। इसके बाद जो हाइपोकार्डियक रीजन है जस्ट इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लंबर वाला एरिया है तो इसको बोलेंगे राइट लंबर रीजन। इधर क्या है, इधर बोलेंगे लेफ्ट लंबर रीजन, ये लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट लंबर रीजन हो जाएगा, ये अम्ब्लाइकल रीजन है। फिर इधर आ जाएंगे तो ये क्या है, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन। तो अब राइट इलियक रीजन यहाँ पे जो बीच वाला है अम्ब्लाइकल के जस्ट नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इधर भी लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये 9 रीजन कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सवाल था, हमारा जो क्वेश्चन था मैकबर्नी पॉइंट का, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो इसको हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे जो मैकबर्नी पॉइंट है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये राइट इलियक वाला पॉइंट है इसको यहाँ से लेके जो अम्ब्लाइकल है वहां तक के एरिया को हम बराबर 3 भागों में बांट देंगे। किस तरह से बांटेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है तो इसको हम बराबर ऐसे 3 भाग में हमने बांट लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे जो इलियक स्पाइन रीजन है, इलियक के पास से जो अम्ब्लाइकस है नेबल वाला हिस्सा है वहां के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमको जो मैकबर्नी पॉइंट है वो मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द राइट इलियक रीजन टू अम्ब्लाइकल रीजन। मतलब कि वहां पे जो ये इलियक वाला रीजन है, इलियक वाला जगह है, यहां से लेके अम्ब्लाइकल तक का जो जगह है इसके डिस्टेंस को अगर हम 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमको मैकबर्नी पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मैकबर्नी पॉइंट। इसी जगह पे व्यक्ति को क्या होता है, दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस जगह पे होता है
ये वाला भाग जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपेंडिक्स, ये वाला हिस्सा क्या है, ये है अपेंडिक्स। तो इसी जगह पे क्या हो रहा है, व्यक्ति को दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूजन हो गई है। तो मैकबर्नी पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी रोसिंग साइन के बारे में। तो रोसिंग साइन में क्या होता है कि जो अपेंडिसाइटिस होता है, अगर व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस है तो उस दौरान जब हम व्यक्ति का जो लेफ्ट इलियक रीजन है जब वहां पे हम व्यक्ति को दबाएंगे, प्रेस करेंगे अपने हाथों के द्वारा, तो उसको जो दर्द होगा वो महसूस होगा किधर, राइट साइड, मतलब दाहिने साइड। बाएं साइड हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन दर्द व्यक्ति को दाहिने साइड होगा। इसी को हम बोलते हैं रोसिंग साइन। क्यों बोलेंगे, क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब की बड़ी आंत यहाँ पे होती है, और इसका जो एंडिंग पार्ट होता है यही क्या होता है, ये अपेंडिक्स होता है। अब इसी में क्या हो गया, सूजन हो गई, इन्फेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से जो ये प्रेशर होता है वो इधर की तरफ लगता है और इस वजह से व्यक्ति को यहाँ पे दर्द महसूस होता है। तो हम जब बाएं साइड दबाते हैं तो दाहिने साइड दर्द व्यक्ति को लगता है। तो रोसिंग साइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं पीएसओ साइन। क्या है, पीएसओ साइन। इसमें क्या होता है कि जो पीएसओ मसल्स होती हैं उनमें ट्विस्टिंग, खिंचाव जैसा व्यक्ति को महसूस होता है। किस वजह से, क्योंकि ये जो अपेंडिक्स वाला एरिया है इसमें क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है, और जब सूजन होगा तो क्या होगी, वो फैलेगी, उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, और इस वजह से वहां की जो मसल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएसओ मसल्स बोलते हैं, उसमें भी खिंचाव आता है और व्यक्ति को दर्द होता है, इसीलिए इसको पीएसओ साइन बोला गया है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन साइन क्या होता है। तो देखिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पहले समझ लेते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की मतलब होता है कि जो वेन होती हैं उनमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। अगर कहीं पे थ्रोम्बस शब्द जुड़ा है, समझ जाए किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, और यहाँ पे आइटिस वर्ड जुड़ा है, मतलब क्या है, सूजन की बात हो रही है। तो जो नसें होती हैं उनमें जब ब्लड कहीं पे इकट्ठा हो जाता है या फिर किसी रास्ते में किसी भी तरह की ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट हो जाती है कि वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो वहां पे वहां की नसें क्या होती हैं, सूज जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे ये अब जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन साइन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा था ह्यूमन साइन के बारे में। तो ये ह्यूमन साइन होता क्या है, जब व्यक्ति पैरों को फैलाता है, जैसे कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने अपने पैरों को फैला रखा है, और फैलाने के बाद जो उसके पंजे होते हैं, अगर इन पंजों को वो पीछे की तरफ क्या करता है, ढकेलता है, तो इसमें क्या होगा कि जो उसका ये कफ वाला एरिया होता है यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। किस वजह से होता है, जो हमने बात की थी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की, जैसे क्या है कि ये क्या है, ये नसें हैं, अब इनमें क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, अब इसमें किसी भी तरह की अगर कोई रुकावट आ जाए या फिर ये कहीं से दब जाए तो इनका जो रास्ता होगा वो कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, या फिर रास्ता कैसा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए कि जो ब्लड है वो इकट्ठा होने लगे तो फिर क्या हो जाएगा कि जो भी नसें होंगी उनमें हमको इन्फ्लामेशन दिखाई देगा, मतलब कि सूजन दिखाई देगी, और उस वजह से व्यक्ति को दर्द होगा। तो जब व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में सोया रहता है और वो पैरों को क्या करता है, सीधा करने की कोशिश करता है और अपने पंजों को थोड़ा सा ऐसे फैलाने की कोशिश करता है अंदर की तरफ, तो उसको इस वाले एरिया में, मतलब पैर का जो ये काफ वाला एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव और दर्द महसूस होता है, जो बहुत ही विशेष साइन होता है किसका, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस रिलेटेड होता है किससे, जो लीवर होता है उससे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हेपेटाइटिस मतलब कि लीवर में होने वाले इन्फेक्शन की बात हो रही है, उसमें होने वाले सूजन की बात हो रही है। तो इसमें जो स्पेसिफिक साइन हमको देखने को मिलता है वो क्या है, इसको बोलते हैं लेट्रिक स्क्लेरा, मतलब कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा कहाँ पे होती है, हमारी आंख में होती है। तो इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये जो स्क्लेरा वाला एरिया है, आंख का जो ये भाग होता है सफेद वाला, ये कैसा हो जाता है,
है येलो कलर का हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है किसमें, जब व्यक्ति को हेपेटाइटिस की समस्या होती है उस दौरान। तो ये बहुत ही विशेष लक्षण है, विशेष चिन्ह है जो हमको दिखता है किसमें, हेपेटाइटिस में। अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें क्या है कि वहां पे दे दिया लैट्रिक स्क्लेरा के बारे में और चार ऑप्शन आपको दे दिया, उसके बाद आपसे पूछ दिया कि लैट्रिक स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, नीचे क्या किया कि आंखों से संबंधित बीमारी दे दिया, जैसे कि जीरोसिस कार्निया दे दिया, कैटरेक्ट दे दिया या फिर जीरोफ्लैथेमिया दे दिया, उसके बाद क्या हुआ उसी में हेपेटाइटिस भी दे दिया। तो अब वहां पे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो क्या है, वो लैट्रिक स्क्लेरा है, मतलब कि आंख से संबंधित ही दिक्कत की बात यहाँ पे कर रहा है। तो अब वहां पे आप क्या करेंगे कि आंख की ही कोई बीमारी को ट्रीट करेंगे, अब वहां पे क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बात किसकी हो रही है, लीवर की बीमारी की हो रही है, ना कि आंख की बीमारी की हो रही है। तो इस जो वर्ड है इसको याद करिएगा, जो ये स्पेसिफिक साइन है इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर लैट्रिक स्क्लेरा आ रहा है मतलब कि हेपेटाइटिस की बात हो रही है। तो 10 ऐसे महत्वपूर्ण बीमारियां थी और उनके महत्वपूर्ण साइन थे जिनके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, मेनिनजाइटिस के बारे में। तो मेनिनजाइटिस क्या होता है, तो मेनिनजाइटिस क्या है, मेनिनजाइटिस में जो ब्रेन की वॉल होती है, ब्रेन की लेयर होती है जिसको हम मेनिनजेस कहते हैं, उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। तो इसमें जो हमको साइन देखने को मिलता है वो क्या है, वो है बर्जिंस की साइन, और जिसको क्या बोलते हैं पेन इन नेप, मतलब कि जो नेप वाला ये बैक साइड का गर्दन के पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द होता है। दूसरा क्या है कर्निंग साइन, तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये है ब्रुंजिस की साइन। तो ब्रुंजिस की साइन में क्या होता है कि जब हम व्यक्ति को सीधा लुटा देते हैं, इसमें क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इसके थ्रू ही देखा जाता है दोनों साइन में, चाहे वो ब्रुंजिस की साइन हो चाहे वो कर्निंग साइन हो। तो जब ब्रुंजिस की साइन हम करते हैं तो उस दौरान जो व्यक्ति होता है उसको सीधा लिटा दिया जाता है, सीधा लिटाने के बाद जब उसका जो गर्दन वाला एरिया है इसको हम उठाते हैं, तो उस दौरान इस एरिया में तो उसको दर्द होता ही है, कहाँ पे जो नेप आपका नेक होती है वहां पे दर्द होता है, ये जो गर्दन का पिछला वाला हिस्सा होता है यहाँ पे क्या होगा दर्द होगा। साथ ही इसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही हम व्यक्ति का गर्दन उठाएंगे वैसे ही व्यक्ति के जो हिप्स होते हैं और व्यक्ति का जो नी होता है ये दोनों अपने आप ही उठने लगते हैं, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव ब्रजेंस की साइन, मतलब ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के अंदर मेनिनजाइटिस के लक्षण है। तो मेनिनजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जब हम गर्दन उठाएंगे तो ये जो हिस्सा है ये भी अपने आप उठने लगता है, इनवॉलेंट्री हिप्स एंड नी फ्लेक्स्ड। दूसरा क्या है कार्निंग साइन, तो कार्निंग साइन में क्या होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति को सीधा लिटा दिया जाता है, उसके बाद एक एक करके दोनों पैर को एक साथ नहीं मोड़ते, एक एक पैर को मोड़ते हैं, तो जब एक पैर को उठा के मोड़ा जाता है कितने पे 90 डिग्री एंगल पे जब इसको हम मोड़ते हैं तो व्यक्ति को दर्द महसूस होता है, और जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इससे ज्यादा ऊपर व्यक्ति का पैर नहीं उठ पाता, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब कि अगर ये 90 है तो फिर ये पैर जो है ये यहीं पे आके रुक गया, इसके ऊपर इधर की तरफ नहीं जा पाएगा, तो ये देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो पैर होता है वो यहाँ तक चला जाता है, मतलब कि 180 तक चला जाता है या फिर 180 से इधर भी चला जाता है, लेकिन जब मेनिनजाइटिस की दिक्कत होती है तो 90 एंगल तक जाते जाते व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, और फिर इस पैर को क्या करते हैं कि फैलाते हैं सिकुड़ते हैं, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साइन है किसका, मेनिनजाइटिस का। नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पाइलोरिक क्या है, ये जो स्टमक होता है उसका भाग है, स्टेनोसिस का मतलब होता है कि किसी के भी भाग का सकरा होना, तो यहाँ पे जो पेट का पाइलोरिक वाली बात हो रही है, तो जो पाइलोरिक हिस्सा होता है पेट का वहां का जो रास्ता होता है कैसा रहता है, सकरा हो जाता है। तो इसमें हमको क्या साइन देखने को मिलता है, ऑलिव शेप्ड मास, मतलब कि वहां पे हमको कैसा देखने को मिलेगा, ऑलिव मतलब जो जैतून होता है उसके शेप के जैसा मास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है स्टमक, ये है स्टमक। अब स्टमक में जो ये
पाइलोरस वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हिस्सा है ये क्या हो रहा है, ये सकरा हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ की जो दीवार होती है, पेट के जो पाइलोरस वाला हिस्सा होता है, इसकी जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। अब जब दीवार मोटी हो जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, ये दीवार है, अब ये दीवार क्या है, मोटी हो रही है। अब जब दीवार मोटी होगी तो ये जो रास्ता है कैसा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, और साथ ही क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, रुकावट होने लगती है पतला होने की वजह से। तो जो भी बच्चा होता है, जो भी वो खाना खा रहा है, या फिर अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो जो भी वो अंदर ले रहा है वो क्या होता है कि यहाँ से फिर छोटी आंत में नहीं जा पाता है, यहीं पे रुक जाता है, और फिर वहां पे एक मास जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये मास यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। तो अगर हम छोटे बच्चों में बात करें, तो छोटे बच्चों में दो सप्ताह से लेके 8 सप्ताह के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। 1000 बच्चों में एक या दो बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनमें ये समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। अब हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है, तो इसमें जो विशेष साइन हमको देखने को मिलता है वो क्या है, उसको बोलते हैं इक्सोपैथाल्मस। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहले बात हम इसको समझ लेते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है, कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, अधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करने लगती है, जिसको हम हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉइडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। तो हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि मात्रा कम हो जाती है थायरोक्सिन, जो हार्मोन्स होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, और हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, हार्मोन्स ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो स्पेसिफिक साइन होता है वो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित रहता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो आंखें रहती हैं वो बहुत ही बल्जिंग होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी और उभरी हुई दिखाई देती हैं। वो देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या है, थायराइड का पेशेंट है। नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको बोलते हैं एडिसन डिजीज, जिसमें क्या हमको स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है, ब्रॉन्जी लाइक स्किन। मतलब कि जो स्किन का कलर होता है, त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, ब्रॉन्जी का मतलब होता है कि ये या तो स्लेटी कलर की हो जाएगी, स्लेटी कलर की, या फिर कैसे हो जाएगी, ग्रे कलर की हो जाती है, नॉर्मल स्किन का कलर नहीं रह जाता है। और ये किस वजह से होता है, जो एडिसन डिजीज है इसमें होता क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, अब एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ पे है, जैसे कि ये क्या है, ये किडनी होती है, किडनी कितनी होती है, संख्या में 2 होती है, तो किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये हार्मोन्स बनाने का काम करती है। तो जब ये पर्याप्त मात्रा में जो हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण नहीं कर पाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और दूसरा जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन। ये जो 2 हार्मोन्स है, जब इनको पर्याप्त मात्रा में इनका निर्माण नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो चेंज होने लगता है, जिसको हम एडिसन डिजीज का मुख्य साइन मानते हैं। तो ये किससे संबंधित होती है, ये बीमारी संबंधित होती है जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे। नेक्स्ट यहाँ पे बीमारी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम जो बीमारी है, इसमें बफेलो हम स्पेसिफिक साइन हमको देखने को मिल जाता है। जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे इस वाले फिगर से हम इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि जैसे इस वाले व्यक्ति का जो ये बैक वाला हिस्सा है, ये वाली गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है, इस पे क्या है, ये एक उभार जैसा दिख रहा है, एक बल्जिंग जैसा दिख गया है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो भैंसें होती हैं, अगर कोई बफेलो है, अब यहाँ पे जो बफेलो होती है उसको यहाँ पे कुबड़ होता है, मतलब एक उभार जैसा होता है, उसी तरह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बीमारी हो जाती है, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें व्यक्ति को यहाँ पे क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाती है, उभार हो जाता है, और इसी को क्या टर्म दिया जा गया है, इसी को टर्म दिया गया है बफेलो हम, मतलब कि जो भैंस की पीठ पे कुबड़ होता है उसी के जैसा यहाँ पे बन जाता है। अब ये कुशिंग सिंड्रोम होता किस वजह से है, ये भी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसी की एक बीमारी है, लेकिन इसमें क्या होता है
कि जो ये कार्टिसोल हार्मोन्स है इसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल बनाने लगती है और इस वजह से जो व्यक्ति होता है उसको पफेलो हम की समस्या हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक विशेष साइन है किसका, जो कोशिंग सिंड्रोम है उसका। नेक्स्ट यहाँ बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कॉलरा। तो कॉलरा में क्या हमको स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है, राइस वाटरी स्टूल, मतलब कि बिल्कुल पानी की तरह, वो भी कैसे, चावल के पानी की तरह का व्यक्ति को स्टूल होता है, जो सबसे मुख्य लक्षण होता है, मुख्य साइन होता है किसका, कॉलरा का। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर राइस वाटरी स्टूल की बात हो रही है मतलब किसकी बात हो रही है, कॉलरा की बात हो रही है। ग्रीन इशू का तो फिर किसकी बात होगी, वो दूसरी बीमारी की बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SLE। तो SLE का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आगे हम देखेंगे। इसमें क्या हमको स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है, बटरफ्लाई रैसेस। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि बटरफ्लाई रैसेस होते क्या है, तो इसको हम इस वाले फिगर से समझेंगे। यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति का जो फेस वाला एरिया है वहां पे क्या हो गया, रैसेस है, और ये रैसेस किस तरह से है, बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप में है। इसमें क्या है, जो चीक वाला एरिया है, जो नोज वाला एरिया है, उसको पूरा कवर किया हुआ है और इस तरह से एक बटरफ्लाई की शेप बन रही है। तो ऐसे जो रैसेस होते हैं वो किस बीमारी में होते हैं, इसको हम बोलते हैं SLE। तो इस ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और ये क्या है, ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है। ये क्या है, ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति के चेहरे पे ऐसे रैसेस देखने को मिलते हैं जिनका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई की तरह का होता है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई रैसेस बोला जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इसका स्पेसिफिक साइन है। नेक्स्ट यहाँ पे बीमारी है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। लेप्रोसी में क्या होता है, लियोनिंग फेस। लियोनिंग फेस का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फेस, मतलब कि जो फेस की मसल्स होती हैं हम कह सकते हैं कि वो कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल लायन का जो फेस होता है उसके तरह हो जाती हैं, मतलब उसकी जो आइब्रो होती हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, नाक जो है वो थोड़ा चौड़ी हो जाती है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं, चिक की जो मसल्स होती हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, चेहरा मतलब बहुत ही अजीब सा दिखने लगता है। नेक्स्ट क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या देखने को मिलता है, चिपमक फेस। चिपमक फेस क्या होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, तो इसको हम इस वाले फिगर से समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये कैसी बीमारी होती है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ये होता है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति होता है उसकी जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ज्यादा च्यूइंग करने की वजह से, ज्यादा चबाने की प्रक्रिया करने की वजह से यहाँ का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि ये जो जबड़ा वाला एरिया है ये क्या है, ये फैल जाता है और व्यक्ति का जो चेहरा है वो नीचे की तरफ से कैसा दिखता है, चौड़ा दिखता है। जो ये चिक वाला एरिया है वो कैसा होता है, वो बड़ा हो जाता है, फूला हुआ नजर आता है। तो ये क्या है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि खाने की बीमारी है, जिसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसको सिर्फ नर्वोसा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये भी इसका एक स्पेसिफिक साइन है, अगर किसी व्यक्ति में ये दिक्कत है तो उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा उसको देख के हम पता कर सकते हैं, उसमें चिपमक फेस हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस की अगर बीमारी है तो कौन सा स्पेसिफिक साइन देखने को मिलेगा, स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा का मतलब कि जो मकड़ी होती है, मकड़ी की तरह का, वहां पे मकड़ी का जो जाल होता है, फिर मकड़ी जो होती है उसके जैसा हमको चिन्ह देखने को मिलेगा, साइन देखने को मिलेगा व्यक्ति के स्किन पे। जैसे क्या होता है कि मकड़ी जैसे जिस तरह से होती है, इस तरह से ऐसे कुछ पैचेस होते हैं जो हमको देखने को मिल जाते हैं व्यक्ति के शरीर में, जो लीवर सिरोसिस का बहुत ही मुख्य साइन है। नेक्स्ट यहाँ पर डिजीज है जिसको बोलते हैं अस्थमा। तो जो अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है इसमें जो स्पेसिफिक साइन हमको देखने को मिलता है वो क्या है, वो है वीजिंग एक्सप्रेशन, मतलब कि व्यक्ति जब भी सांस लेता है उस दौरान जो साउंड उसके मुंह से निकलती है वो कैसी होती है, सीटी की जैसे आवाज आती है, मतलब कि वीजिंग साउंड निकलती है, जिसको हम वीजिंग इंस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर हम स्टेथोस्कोप की सहायता से व्यक्ति के चेस्ट पे या फिर बैक साइड जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला पार्ट है उसको रख के और अपने ईयर के थ्रू सुनने की कोशिश करेंगे तो आप सुनेंगे कि जो साउंड हमको महसूस होगी, फील होगी, सुनाई देगी वो कैसी होगी, वो वीजिंग साउंड की तरह आएगी, सीटी की तरह आवाज आएगी। तो ये जो स्पेसिफिक
साइन है किसका है, अस्थमा का है। नेक्स्ट है इसमें जो डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म। तो जो हाइपर पिट्यूटरिज्म होता है उसमें क्या होता है, ये रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है, और इस वजह से व्यक्ति का जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए उसके अपेक्षा बहुत ज्यादा उसके लंबे हाथ पैर हो जाते हैं, मतलब उसकी जो हाइट होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाल स्ट्रेचर बोलते हैं। मतलब कि व्यक्ति का जो नॉर्मल स्ट्रेचर होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, व्यक्ति के हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं, हाइपर पिट्यूटरिज्म की वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनने की वजह से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से। नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में जो स्पेसिफिक हमको साइन देखने को मिलता है वो क्या है, सिंगल क्रीज ऑन पॉम। मतलब कि जो ये हथेली होती है इस पे सिर्फ एक सिंगल क्रीज देखने को मिलेगी, मतलब एक सिंगल लाइन देखने को मिलेगी। जैसे क्या होता है कि अगर हमारी ये क्या है, ये हथेली है, तो इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, लेकिन जब डाउन सिंड्रोम होता है तो उस दौरान एक सिंगल क्रीज, एक सिंगल लाइन ही देखने को यहाँ पे मिलेगी, अब वो चाहे जिस एरिया में हो, हथेली पे। तो यही इसका स्पेसिफिक साइन होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं टीओपी। तो टीओपी का फुल फॉर्म होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। मतलब कि ये जो बीमारी है ये रिलेटेड किससे, ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से, मतलब कि हृदय संबंधी ये बीमारी होती है जो जन्मजात होती है, मतलब कंजनाइटल होती है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस दौरान अगर उसको टीओपी की समस्या है तो उसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक स्पेसिफिक लक्षण है जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे जानेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किससे सफर कर रहा है, टीओएफ जो बीमारी है उससे सफर कर रहा है, तो उसके जो नेल्स होते हैं, इसका जो इर्ज वाला एरिया होता है, मतलब ये जो किनारे वाला एरिया होता है, सबसे जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। जो नेल बड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और देखने में ही अजीब सा लगता है। तो ये क्या है, ये जो कंजनाइटल हार्ट डिजीज होती है उसी में पाया जाने वाला एक साइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बीमारी की हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटरेक्ट। तो जो कटरेक्ट है ये क्या है, ये आंख से संबंधित बीमारी है, जिसमें स्पेसिफिक साइन क्या होता है, ब्लरी विजन। मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा कि जो भी उसके देखने की क्षमता है वो प्रभावित होगी, उसको हर चीज कैसे दिखेगी, धुंधली दिखेगी, मतलब ब्लर दिखेगी। तो ये नॉर्मल उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा भी क्या है, आंख से संबंधित बीमारी ही होती है। तो इसमें जो स्पेसिफिक साइन है वो क्या होता है, ट्यूनर लाइक विजन। इसमें जो देखने की प्रवृत्ति होती है, आंख की जो आपका जो लेंस होता है वो प्रभावित होता है। कैसे, तो व्यक्ति को इस तरह से दिखाई देता है, मतलब कि बीच में सिर्फ सेंटर में उसको दिखाई देगा और साइड साइड कैसा दिखाई देगा, उसको बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए क्या है कि सिर्फ बीच वाला एरिया दिख रहा है, साइड साइड से सब क्या है, धुंधला दिख रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है ट्यूनल विजन। तो ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति को ग्लूकोमा की समस्या होती है, इसी के थ्रू पहचाना जाता है कि व्यक्ति को क्या हुआ है, ग्लूकोमा की दिक्कत हुई है, जो आंख से संबंधित बीमारी होती है। तो ट्यूनल लाइक जो विजन है ये किसका स्पेसिफिक साइन है, ग्लूकोमा का। नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको बोलते हैं पीटीबी। इसका फुल फॉर्म होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, इसका जो स्पेसिफिक साइन है वो क्या है, लो ग्रेड फीवर इन आफ्टरनून। मतलब कि दोपहर के बाद जो व्यक्ति होगा उसको हल्का हल्का बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनको अधिकतर रात में बुखार आता है और उनको स्वेटिंग भी होती है, मतलब पसीना भी आता है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, दोपहर के बाद, जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे व्यक्ति को वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका ये स्पेसिफिक साइन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोलेसिस्टाइटिस। तो कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस रिलेटेड होता है गॉल ब्लैडर। इसमें जो स्पेसिफिक साइन देखने को मिलेगा वो क्या है, मर्फी साइन। मतलब कि इसमें हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति को गॉल ब्लैडर है, तो मर्फी साइन जानने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी व्यक्ति होगा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब व्यक्ति को सीधा लिटा दिया जाता है और उसके बाद
जो ये वाला एरिया होता है, मतलब कि जहाँ पे लीवर होता है, राइट साइड का जो अपर वाला अपर क्वाड्रेंट होता है, वहां पे जब हाथों के द्वारा पालपेट किया जाता है, थोड़ा सा दबाया जाता है, जब व्यक्ति सांस लेता है और उसी दौरान इस एरिया पे हाथ रख के जब थोड़ा सा दबाते हैं, पालपेट करते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को दर्द महसूस होता है और ये इंडिकेट करता है कि जो व्यक्ति है या तो उसको लीवर में दिक्कत है या फिर उसको गॉल ब्लैडर में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो लीवर होता है, लीवर से सटा हुआ ही क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर की जो बीमारियां होती है उससे संबंधित चीजों को देखने के लिए हम ये पाल्पेशन वाला प्रोसेस करते हैं, जिसमें मर्फी साइन अगर प्रेजेंट है, मतलब कि व्यक्ति को क्या है, या तो व्यक्ति को लीवर से संबंधित समस्या है या फिर व्यक्ति को गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्या है, मायथेमिया ग्रेविस। अब इसमें जो मुख्य साइन है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्टोसिस। तो इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू ओपन अपर आईलिड, मतलब कि आंख की जो ऊपरी पलक होती है उसको खोलने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, जैसे हम इस वाले फिगर में देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें ये वाली आंख क्या है, नॉर्मल है, इसमें व्यक्ति का आंख पूरी तरह से खुली हुई है। वहीं दूसरे वाले में क्या है कि व्यक्ति की जो अपर आईलिड है, मतलब ऊपरी वाले जो पलक है, वो क्या है, वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, व्यक्ति पूरी तरह से आंखों को नहीं खोल पा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्टोसिस कहते हैं, जो एक मुख्य साइन है, मुख्य चिन्ह है किस चीज का, जो मायथेमिया ग्रेविस बीमारी है उसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है डेंगू। तो डेंगू की जब दिक्कत होती है तो क्या होता है, पैचे, मतलब कि कुछ ऐसे रैसेस या फिर रेड कलर के दाने होते हैं जो स्किन पे दिखाई देते हैं, जो इसका मुख्य साइन है। नेक्स्ट 31 पे क्या है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, पिल रोलिंग ट्रीमर, मतलब कि जो व्यक्ति के हाथ होते हैं उनमें कैसा ट्रीमर जैसा फील होता है, कैसा ट्रीमर, पिल रोलिंग जैसा, जैसे कि इस फिगर के थ्रू हम देखें, जैसे इस वाले फिगर पे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि व्यक्ति की जो ये फिंगर्स है और व्यक्ति का जो ये थंब वाला एरिया है, ये क्या है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, जैसे हम किसी भी तरह की कोई बॉल लें या फिर गोली लें, अगर उसको हम इस तरह से पकड़ के उसको हम रोल करने की कोशिश करें तो हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बन जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति है उसमें पिल रोलिंग ट्रिमर यही बात कह रहा है कि जो हाथों का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा हो जाता है जैसे व्यक्ति किसी भी चीज को रोल कर रहा है। और ये जो बीमारी होती है ये हमको किस में देखने को मिलती है, जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें देखने को मिल जाती है, ये उसका मुख्य साइन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एमआई। एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है, ये भी हार्ट से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें मुख्य साइन क्या है, लेवन साइन, क्लचिंग ऑफ द चेस्ट, मतलब कि जो भी व्यक्ति होता है उसको उसको सीने में बहुत तेज दर्द होता है, और जब वो दर्द होता है अचानक से तो व्यक्ति क्या करता है कि झटके से अपना जो हाथ होता है वो अपने हार्ट पे, अपने चेस्ट पे रख के उसको दबाने की कोशिश करता है और झुक भी जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें हमको ये साइन देखने को मिलता है कि जब भी व्यक्ति को दर्द होगा व्यक्ति क्या करेगा, अपना हाथ झट से अपने चेस्ट पे रख देगा और थोड़ा सा झुक भी जाता है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इसमें मिजल्स एंड लास्ट ये डिजीज है। इसमें जो स्पेसिफिक साइन है वो क्या है, कॉपलिक स्पॉट। इसमें जो भी बच्चा होता है, अगर बच्चे को मिजल्स हो गया है तो उसमें कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलता है, मतलब कि जो बच्चे का मुंह का म्यूकोजल वाला एरिया होगा वहां पे पैचेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस वाले फिगर में हम देखते हैं, जैसे कि ये बच्चे का क्या है, म्यूकोजल एरिया है, तो यहाँ पे इस वाले हिस्से पे क्या है, पैचेस दिख रहा है। तो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ ऐसी बीमारियां और उन बीमारियों के कुछ स्पेसिफिक लक्षण थे जिनके बारे में हमने पढ़ा और इसके बारे में जाना। तो ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, तो उस दौरान इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसके लिए हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी, आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।